हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सब कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होगे। और ये देखो, मैं सुबह सुबह उठ कर आई थी। 5:30 बजे का टाइम था सुबह का, तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा था। और भाई पहले तो सुबह 5:30 बजे धूप निकल आया करती, अब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा रहा है। तो देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़ा सा अंधेरा आया था, पर बादल हो रहे थे। देखो कितने प्यारे प्यारे, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। तो मैंने सोचा ले एक थोड़ी सी क्लिप अभी ये शूट कर लूँ। ये देखो अब मैं लगी थी गेहूँ धोनी, और टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। और सारा काम मैंने कर लिया था, झाड़ू पोछा सारा हो गया था, बच्चे स्कूल में चले गए। तो मैं लागी थी पिसना करण। पहले तो मैंने सोची थी कि बरसा का भई गेहूँ आना है, और फिर पिसना बरसा का नजारा नहीं, मैं गजार दूँगी पिसना कर दूँगी। पर इन माटी इतनी थी कि मैंने बरसाए भी, पर बरसाए पीछे भी देखा वो इतनी माटी थी। मैं माटी तो नहीं सारा दिन मैं भी नहीं छटका दिया बहुत सारी, क्यों कंपेन तक कटवाए थे ना भई गेहूँ, तो बहुत सारी माटी आ रही है। तो फिर मैंने सोचा इसमें तो सारा दिन लाग जाएगा। तो मम्मी बोली कि ननी धो दे, धो कर न और फिर सुखा दे। तो धोया मैं इस मारे कम करूँ, मारा एक तो बहुत जल्दी छाया आ जा, धूप थोड़ी कम आवा है, और एक बंदर इतने आओ मैं कभी सारे अन उठा ले जाएंगे। तो फिर इतनी माटी देख कर ना मैंने सोचा चल धोए दे, देखी जाओगी जो भाई, फिर थोड़ी संभाल रखनी पड़ेगी बांदरा की। मखा रख लेंगे तो 2-4 दिन लागेंगे सूखने में। मखाई नपल दो चल दो ए दूँ, तो मैं लाग रही थी टूठी आ रही थी मखाई, टूठी आ पानी आ रहा ना जब धोन में थोड़ा सा आराम रहा सही आराम तो दू दिया। और जब बाल्टी भर भर का धोया तो बहुत दिक्कत हो गई बहुत। तो इस मारे मैंने मखा चल नाली चला कर ना, और मैंने सारे गेहूँ धो दिए थे। देखो घने ना धोए थे, बस ये एक तसला धोया था, इतने का पिसना करया करूँ मैं एक बार, मैं फिर और का करया करूँ। और ये देखो एक काम पूछा मैं, शाम का टाइम हो गया, शाम के बजरे पीछे और जाओ तब रोटी लेने, चलो हम भी चल लेंगे। शाम बढ़िया मौसम रहे उसे, बस हवा चल रहा है, बादल धो रहे हैं, चलो हम भी चलेंगे। रोटी कटवा लिया मेरे एक दो क्लिप निकालने की, इंस्टाग्राम की लाइट बना कर मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, वीडियो जाकर फॉलो कर सको। तो मैंने देखो मैं चलाने लग रही थी ट्रैक्टर, चल मैं ट्रैक्टर चला कर देखूंगी। तो उसने बनिया ने पहले गियर में लगा कर दे रखा था, बहुत अच्छा चला था। पर इस मैंने इसमें भी थोड़ा डर सा लगा था, क्योंकि मैंने एक बार और चलाया था पहले, और आज दूसरी बार चलाया ट्रैक्टर। उस दिन हम खात गिरण गए थे, तो ये दोनों भाई खात उतारे थे, और मेरे तो बोले कुछ अच्छा जिसने चलाई जाइए आग आग और मोड़ लिए। तो मैं बोली ना मना तो डर लगा है, बोले करना कुछ ना हो ऐसा अच्छा चला कर देंगे। तो फिर आज मैं खाली दिए बढ़िया मैं भी देखूंगी एक बार चला कर, बोला चल ठीक सा। तो इसने पहले गियर में लगा रखा था, बहुत स्लो स्लो चल रहा था, पर फिर भी जो आदमी जो काम नहीं करता उसने थोड़ा सा डर सा तो लग गए है। ये पहले तो मैंने थोड़ा डर सा लग गया था, फिर चलाते चलाते थोड़ा सा सही लगने लग गया था। देखो मैंने ये मोड़ भी दिया था ट्रैक्टर, और मैं पूरी ट्रैक्टर पूरा चलाना सीख लिया था मैंने। मैं अगली बार आऊँगी ना फिर और सही चला दूँगी। और ये देखो व्यू कितना प्यारा हो रहा है, बादल मतलब तो सुबह से हम बादल रह रहे हैं, और ये बादल हो रहे हैं। और ये देखो ये ज्वार नहीं है भाई, ये है बाजरी, हमने बाजरी बो रखी है, जो बाजरी तैयारी हुआ है ये बाजरी बो रखी है, और बहुत बढ़िया हो रही है। तो देखो मैं काटने लगी थी, तो मैं चल ये थोड़ी सी मैं भी कटवा दूंगी, आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो कटवाना चाहिए। और मैं ये कटवाने लग रही थी बाजरी, और ये देखो ये परिंद ज्वार, एक ज्वार का परोटा लाए थे, एक बाजरी का परिंद है उसका ज्वार का परोटा लिया है, काट कर मैं ठवा कर लाई थी, चल ठवा कर लाऊंगी। ये देखो भाई चलाओगा मन्नू ट्रैक्टर, ये मन्नू का नंबर है, मैंने तो चला लिया। देखे मन्नू कदे हम लगे थे मुंह कदे का
Yeah, I mean, they're going to go to the house.